हमारे देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में यहाँ पूरे देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव के तले हर घर में तिरंगा झंडा शान से फहराया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कोने कोने में भी और जम्मू कश्मीर के हर घर में हर जम्मू कश्मीर वासी बड़ी खुशी से, जोश और जज्बे के साथ देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा फहरा रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर में जब भारत माता की जय जयकार हो रही है तो महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को तकलीफ हो रही है। महबूबा मुफ्ती जी को ये बात समझना चाहिए कि तिरंगे से हमारी पहचान है, तिरंगा हमारी जान है और तिरंगा हमारी शान है। जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में तिरंगा झंडा बसता है और जब पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी बड़ी शान से तिरंगा झंडा यहाँ के वासी फहरा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में तिरंगा झंडा है। वो मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब थे जिन्होंने 1947 में पाकिस्तानियों को कश्मीर से खदेड़ा था। ये हिंदुस्तान हम सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक हिंदुस्तानी का हिंदुस्तान है और हर एक हिंदुस्तानी दिल से तिरंगे झंडे को प्यार करता है। महबूबा मुफ्ती इस प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र को बार बार करती हैं। जम्मू कश्मीर की जनता ये चीज भलीभांति समझती है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए महबूबा मुफ्ती जैसे नेता जहर घोलकर राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कभी हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की बात हो रही है, कभी तिरंगा झंडा और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में यहाँ लोगों को गुमराह करके राजनीति करने का षड्यंत्र लोग कर रहे हैं और कहीं श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा का नाम लेकर महबूबा मुफ्ती जैसे नेता कश्मीर में जहर घोल रहे हैं। लेकिन कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है कि जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान का अविभाज्य अंग है, लोगों के दिल में तिरंगा बसता है और यहाँ की अमरनाथ जी की यात्रा आज से नहीं सदियों से कश्मीर के लोगों की परंपरा रही है कि हम अमरनाथ जी के यात्रियों का भव्य यहाँ स्वागत करते हैं। शायद महबूबा मुफ्ती इतिहास को भूल गई है, उन्हें इतिहास को पढ़ना चाहिए और उनको ये भी समझना चाहिए कि उनके इस राजनीतिक प्रोपेगेंडे में जम्मू कश्मीर की जनता नहीं आने वाली है। आजादी के अमृत महोत्सव के तले जम्मू कश्मीर के हर घर में शान से तिरंगा झंडा फहराया जाएगा, यहां तक कि अच्छा हो कि महबूबा मुफ्ती साहिबा भी।